भवन की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान मौत केस पर मुंबई पुलिस ने सफाई पेश की है। पुलिस ने कहा है कि दिशा ने आखिरी कॉल पुलिस को नहीं बल्कि अपनी दोस्त अंकिता को की। ड्रग्स मामले में आरोपी बासित परिहार, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत की जमानत याचिका पर 29 सितंबर तक सुनवाई टल गई है। श्रविक के दोस्त सूर्यदीप मल्होत्रा को एनसीबी ने कोर्ट में पेश किया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ड्रग्स मामले में ड्रग पेडलर अंकुश अरेंजा से पूछताछ के बाद एनसीबी ने राहिल विश्राम को गिरफ्तार किया। एनसीबी ने राहिल के पास से 928 ग्राम चरस और 4 लाख से ज्यादा रुपए बरामद किए। एनसीबी का कहना है कि राहिल विश्राम का सुशांत केस से सीधा लिंक है। एनसीबी ने बताया कि विश्राम उसी कड़ी का हिस्सा है जिसमें अनुज केसवानी, कैजान और श्रविक चक्रवर्ती शामिल हैं। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने रोहन तलवार, नोक थाउंग और विशाल सालवे को गिरफ्तार किया। एनसीबी ने इन तीनों के पास से काफी मात्रा में गांजा बरामद किया। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आज इंदू मिल में बाबा साहेब अम्बेडकर के स्मारक की नींव रखने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। कोरोना की वजह से कार्यक्रम में कम लोगों को बुलाया गया था, जिससे काफी लोग नाराज थे। महाराष्ट्र के अमरावती इलाके में प्याज उत्पादक किसानों और कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किया। किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी के ऑफिस में प्याज फेंके। इन लोगों की मांग है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द प्याज के निर्यात पर लगी पाबंदी को हटाए। पालघर में संतों की हत्या की सीबीआई जांच कराए जाने की मुहिम को अभिनेता गजेंद्र चौहान का भी समर्थन मिला है। गजेंद्र चौहान ने स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी के साथ मिलकर राज्यपाल को पत्र देकर इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। मुंबई से सटे उल्लासनगर इलाके में एक 5 मंजिला इमारत को गिरवा दिया गया। ये इमारत काफी पुरानी थी और कभी भी गिर सकती थी, इसीलिए इसे गिराने का फैसला किया गया। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।